अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल व क्लॉक टावर थाना पुलिस की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4 अवैध देशी पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी पूर्व में भी 21 पिस्टल व 42 राउंड मध्य प्रदेश से लाकर राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर तस्करी कर चुका है। अजमेर में वह किसको हथियार सप्लाई करने वाला था, इस संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। मंगलवार को क्लॉक टावर थाने में मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने बताया कि शहर में अवैध हथियारों की तस्करी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कार्रवाई के निर्देश एसपी चुनाराम जाट द्वारा दिए गए हैं। इस पर जिला स्पेशल टीम को मिली सूचना पर पहाड़गंज क्षेत्र से स्पेशल टीम ने क्लॉक टावर थाना पुलिस की मदद से कार्रवाई करते हुए जिला जोधपुर निवासी भोमाराम उर्फ राजेश को पहाड़गंज क्षेत्र से 4 अवैध देशी पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि वे बड़ी संख्या में हथियारों की तस्करी अजमेर में किसको करने वाला था। देखिए, कुछ समय से पुलिस मुख्यालय के द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। उसी अभियान के तहत पुलिस टीम, क्लॉक टावर थाना टीम, इसके साथ साथ डीएसटी की जो टीम है, वो लगातार जो ऐसे अपराधी थे जो किसी न किसी तरीके से अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल थे, उनको ढूंढने की फिराक में थे। ऐसे ही एक प्रकरण में मुखबिर खास के इतला पर डीएसटी के दो मुलाजमान जो हमारे हैं, एक तो महिपाल और सीताराम, को आसूचना प्राप्त होने पर उन्होंने इसको फर्दर डेवलप किया और उन्होंने पता किया कि एक अभियुक्त भूमाराम, जो कि जोधपुर का रहने वाला है, पहले भी कई आपराधिक प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज हैं, जो अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त है, उसकी सूचना पहाड़गंज क्षेत्र में होने का की लगी। उसी को डेवलप करते हुए टीम ने एक प्लानिंग के तहत उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से 4 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। ये अभी अनुसंधान का विषय है, उससे पूछताछ में सामने आएगा। ये जोधपुर निवासी है। पूर्व में जो इसने अवैध हथियारों की सप्लाई की है, वो ज़्यादातर भीलवाड़ा और जोधपुर शहर में की है। इसकी मौजूदगी इस बार यहाँ पर थी, तो हो सकता है कि लोकली किसी को ये सप्लाई करना चाह रहा हो। प्रारंभिक पूछताछ में जो इसने अभी तक बताया, वो यही सामने आया कि ये पहाड़गंज के पास वाले एरिया में, वहाँ सुनसान क्षेत्र में वहाँ था। वो कॉल डिटेल्स और वो सब जो है, उसकी विश्लेषण और बाकी इससे पूछताछ की जाएगी, उसके सामने जो भी आएगा शेयर किया जाएगा।